हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। एंड जैसा कि आपको पता है कि जो हमारा चयन बोर्ड है यानी हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, उसमें अराउंड 1400 से अधिक जो वैकेंसीज हैं उनको भरने के लिए जो है जल्दी ही आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगी। उसी से रिगार्डिंग एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो कि आज न्यूज़पेपर में आई है, तो उसे ही हम आपके पास यहाँ पे शेयर करेंगे। एंड क्या क्या नोटिफिकेशन वहाँ पे निकली है, क्योंकि उन्होंने कुछ वैकेंसीज को जो कि बड़ी बड़ी वैकेंसीज हैं उनको भी वहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि ये वैकेंसीज जो है हमारे यहाँ पे भरी जाएगी। बाकी कुछ वैकेंसीज होती है जो कि वहाँ पे मेंशन नहीं है, क्योंकि 100% कन्फर्म तो आपको ओरिजिनल में ही मिलेगा जब नेक्स्ट वीक या इस वीक जो है वो ओरिजिनल कन्फिग्रेशन या सॉरी नॉट कन्फिग्रेशन दैट इज़ अ नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगी। ओके, तो चलिए चलते हैं, क्या न्यूज़ हमारे पास यहाँ पे निकल के सामने आई है, थोड़ा सा उसको भी चेक कर लेते हैं। एक बार ऑडियो वीडियो हम कंफर्म कर लेते हैं आपके पास यहाँ पे। ओके, चलिए तो यहाँ पे देखते हैं। देखिए क्या कहते हैं आपके पास, हिमाचल प्रदेश में जो आपके पास जो बम्पर भर्तियाँ निकलने वाली है, ये जो है आपके पास स्पेशली न्यूज़पेपर से ही ली गई कटिंग है जहाँ से हमने इस चीज़ को आपके पास लेकर आए हैं। ठीक है, तो इसमें आपके पास जो है 1400 वैकेंसीज को भरने की बात कही है। तो इसमें क्या क्या पद हैं जो कि ये भरने वाले हैं, जो मेन मेन वैकेंसीज है उन्होंने उनको यहाँ पे जो है वो शो किया गया है। तो फर्स्ट यहाँ पे आपके पास आती है बिजली बोर्ड से रिगार्डिंग। बिजली बोर्ड में अराउंड आपके पास 530 जो है वैकेंसीज भरे जाएगी, जिसमें लाइन मैन की जो है 186 वैकेंसीज होगी एंड सब स्टेशन अटेंडेंट की आपके पास 163 वैकेंसीज होगी। इलेक्ट्रिशियन की आपके पास इसमें 112 वैकेंसीज होगी। पावर हाउस इलेक्ट्रिशियन की आपके पास इसमें 22 वैकेंसीज होगी एंड इलेक्ट्रिशियन एमएनटी के जो है आपके पास 22 एंड इसमें जो है फीटर्स के जो है वो 25 वैकेंसीज जो है वो भरे जाएंगे आपके पास। ओके, इसमें आपके पास जो जेओ की वैकेंसीज भी निकली है जो कि आपके पास हिमाचल पथ परिवहन निगम में आपके पास यानी जो आपका बसेस वगैरह है उनसे रिगार्डिंग है। ठीक है, तो जो भी पथ परिवहन है हिमाचल प्रदेश का, उसके द्वारा जो है 23 वैकेंसीज जो है वो जेओ आईटी की जो है आपके पास निकाली जाएगी। एंड जबकि विभिन्न विभागों में जो 12 जो है वो क्लरिकल के जो वैकेंसीज होगी वो आपके पास होगी। ओके, एंड प्रारंभिक शिक्षा विभाग में जो है वैकेंसीज ज्वाइंट टीचर्स की आपको देखने को मिल सकती है एंड जो कि 1314 वैकेंसीज आपके पास होगी। ओके, वहीं पे हिमाचल प्रदेश पशुपालन विभाग में जो है वेटनरी फार्मासिस्ट के जो है 188 वैकेंसीज जो वो भरी जाएगी एंड हिमाचल प्रदेश सचिवालयों में लिपिक के जो है वो आपके पास 55 पद जो है वो भरे जाएंगे। इसी के तहत जो स्वास्थ्य विभाग है उसमें भी आपके पास जो मेडिकल लैब टेक्नीशियन ग्रेड 2 के जो है आपके पास 24 वैकेंसी जो है वो यहाँ पे आपके पास फिल की जाएगी। एंड विभिन्न विभागों में एक आपके पास जियो आईटी सॉरी यस जियो आईटी के वैकेंसीज हैं एंड वन विभाग में भी आपके पास जेल सिविल के जो है वो 11 पद आपके पास भरे जाएंगे। एंड प्रदेश में जो है तकनीकी शिक्षा विभाग टेक्निकल एजुकेशन, हिमाचल प्रदेश सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास, राजस्व विभाग, उद्योग विभाग, नगर निगम धर्मशाला, खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, मत्स्य विभाग, परिवहन विभाग और फार्मासिस्ट साइंस विभाग समेत अन्य पद भी हैं आपके पास जिसमें अराउंड 1400 से ज़्यादा वैकेंसीज हैं। ओके, तो कुछ वैकेंसीज हैं जो कि यहाँ पे शो नहीं है, ये सिर्फ वही वैकेंसीज है जो कि बड़ी बड़ी वैकेंसीज होती है। ठीक है, बाकी कंफर्म तो आपको जैसे ही नोटिफिकेशन निकलती है वहाँ पे मिल जाएगा। एंड ये जो है चयन बोर्ड को जा चुकी है, अब देखते हैं कब जैसे वो नोटिफिकेशन निकालते हैं और कब आपके फॉर्म जो है फिलअप होना शुरू होते हैं। ओके, बाकी जो भी हमें लेटेस्ट नोटिफिकेशन जैसे ही मिलती है तो वो हम आपके साथ जो है यहाँ पे शेयर करेंगे। बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस।